मैथमेटिक्स के एक एक पॉइंट को, तो आप वीडियो को फटाफट शुरू कर दें और सभी लोग फटाफट, जितने लोग भी हैं सभी लोग लाइक कर दें। और हाँ, जो बच्चे इधर उधर बार बार इधर बाहर आते जाते हैं, प्लीज उस चुपचाप आधे घंटे मैथमेटिक्स कॉपी पेन लेकर पढ़ लें, तो आप आराम से इधर उधर वगैरह वगैरह जाएं। इतने देर तक आप किसी को मना कर दें, थोड़ा सा दी बेस्ट करें। आप 24 घंटे की लाइफ को कम से कम अपने लिए 6 घंटा अपना जीना चालू कर दीजिए। 6 घंटा अपने लिए जीने मतलब अपने पढ़ाई के प्रति 6 घंटा कम से कम लगाइए। 12th में है तो भी 4 घंटा भी बहुत है, बेहतर है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स हैं तो आपके लिए 4 घंटा बहुत कम है, कम से कम छे। तो चलिए शुरू करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से, बात को कम करते हुए फटाफट। और हाँ, एक चीज, थोड़ा सा आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए प्लीज, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी श्रृंखला समाप्त, क्योंकि 114 प्रश्नों की श्रृंखला है। लेकिन एक चीज तो मैं विश्वास के साथ कह दे रहा हूं, आप अभी इसी वक्त एक कागज पर लिख लीजिए, 114 प्रश्नों के बाद आपको समाकलन में कहीं भी घूमने की, कहीं भी दौड़ने की, कहीं भी टहलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाकलन कोई भी मॉडल पेपर उठाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन होगा। अभी नहीं, आंशिक भिन्न भी मैं पढ़ाऊंगा, डिफिनिट जितने प्रगुण वाले क्वेश्चन है, और उन सभी प्रश्नों के 8 नंबर की सीरीज को मैं सर्च करके रखा हूं, सारे क्वेश्चन जो जो बनते हैं मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से, फटाफट लाइक कर दें, और जितने लोग देख रहे हैं फटाफट सभी के पास शेयर करें, सभी लोग के पास शेयर करिए, सबको बुलाइए, सभी लोग, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ठीक है। आप कमेंट कर दिया करिए, नाइस वीडियो सर, अच्छा वीडियो, मोटिवेशन कर दिया करिए, आप मोटिवेट कर, आप अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है, कैपिटल आई ग्राउंड यहां दे रखा है, वन अपान एक्स है, यक्स लॉग यक्स, और यहां दिया गया है log x dx, वन अपान एक्स लॉग यक्स log यक्स, यही दिया गया है। अब ढेर सारे log को देखकर डिस्टर्ब ना होए आप, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान समझिए, इसको क्या मानेंगे, इस पूरे पोर्शन को केवल इतने को मैं t मानूंगा, यहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह ये लगा है, ये गुणे का चिन्ह है, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दिया मैं, स्मॉल t बराबर मानेंगे, लॉग मानेंगे, लॉग एक्स मानेंगे, सिंपल सा तरीका है, डी टी लिखिए, डी एक्स लिखिए आप आराम से, लॉग एक्स है, वन अपान यहां हो जाएगा लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपान हो जाएगा एक्स, तो डी टी बराबर हो जाएगा वन अपान एक्स लॉग एक्स डी एक्स, वन अपान एक्स लॉग एक्स डी एक्स, कैपिटल आई लिखेंगे हम ही नहीं, आप भी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, 1 dx अपान एक्स लॉग एक्स, यहां 1 भी मिल रहा है, एक्स लॉग एक्स भी मिल रहा है, और साथ में dx मिल रहा है, इसको आपने t माना है, तो यहां 1 लिखेंगे बटे इसके t लिखेंगे, इन दोनों गोलों को हटा करके यहां dt लिखेंगे, 1 अपान t का क्या हो जाएगा, log t प्लस t हो जाएगा, बराबर यहां हो जाएगा log t के स्थान पे क्या हो जाएगा, log x प्लस सी, मतलब log x प्लस कैपिटल सी, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है ना, log, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 26, log x प्लस सी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, सभी लोग कमेंट करिए, सभी को समझ आया, प्लीज सभी लोग कमेंट करें फटाफट, 26 नंबर क्वेश्चन आया सभी को प्लीज। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे की तरफ चलते हैं, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्लियर है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, यहां पर 27 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में लगाइए, कैपिटल आई बराबर 2 sin 2x बटे cos स्क्वायर 2x, अब घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में लगाइए, एकदम सिंपल सा, कैसे करेंगे, कैपिटल आई बराबर यहां 2 हो गया, यहां साइन 2x है, कॉस स्क्वायर 2x हो गया, यहां कॉस 2x है, और गुणे 1 अपान कॉस 2x है dx है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, क्लियर है, आई बराबर यहां क्या है, 2 है,
साइन बटे कास, यहां क्या लिखा गया है टेन टू एक्स एक बटे कास, यहां क्या लिखा गया है सेक टू एक्स और डीएक्स लिखा गया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल टी बराबर हम मानेंगे 2x मानेंगे, मैंने क्या किया है कॉस स्क्वायर 2x को कॉस 2x इंटू कॉस 2x लिख दिया है, दो है साइन बटे कॉस 10 हो गया, एक बटे कॉस सेक हो गया, मैंने 2x को t मान लिया, तो यहां हो जाएगा डी टी डी एक्स, 2x का हो जाएगा 2 और यहां डी टी बराबर जाएगा 2 और dx, कैपिटल I बराबर समाकलन 2 dx है, यहां tan है यहां sec है 2 dx के, यहां क्या लिखेंगे dt लिखेंगे, sec t into tan t dt, sec t into tan t का क्या होता है sec t होता है प्लस कैपिटल C होता है, यहां sec हो जाएगा और t के स्थान पे आपने 2x मान रखा है sec 2x प्लस कैपिटल C, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया। चलिए फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, जितने भी लोग हैं सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लें जी, वेरी नाइस बहुत अच्छा, चलिए ठीक है दी बेस्ट है, 27 नंबर हो गया। चलो 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर क्या दे रहा है 28 यहां दे रहा है, ठीक है 28 नंबर क्वेश्चन दी बेस्ट तरीका, इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, यल अपान क्या लिखा है यम प्लस यन ई की पावर एक्स, यल प्लस यल अपान यम प्लस यन ई की पावर एक्स और क्या दिया गया है डी एक्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा आप इसको सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, कई सवाल ऐसे मिलेंगे जो कि नीचे e की पावर x होगा लेकिन ऊपर e की पावर x ना e की पावर माइनस x होगा, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई e की पावर माइनस x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश तथा हर में, अंश तथा हर में e की पावर माइनस एक्स से गुणा करने पर, अंश और हर में, अंश में भी पावर माइनस एक्स से गुणा करेंगे और हर में भी, तो आई बराबर यहां मिलेगा यल है ये यहां ई की पावर माइनस एक्स से हो जाएगा एक पावर माइनस एक्स हो जाएगा, एक पावर माइनस एक्स यहां करेंगे तो यम ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस यहां ई की पावर माइनस एक्स करेंगे तो यन हो जाएगा e की पावर माइनस e की पावर प्लस एक्स e की पावर जीरो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, यहां तक कंफर्म है, यहां तक आप कंफर्म है, यहां तक आप श्योर हैं सभी लोग, ठीक है e की पावर माइनस एक्स अपॉन m e की पावर माइनस एक्स, यहां क्या हो जाएगा m e की पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा और ये लिखेंगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है किसी को भी, चलिए ठीक है e की पावर माइनस एक्स हो गया और अपॉन हो गया m e की पावर, चलिए वेरी नाइस। अब इस चीज को मैं टी मान लूंगा, इस पूरे पोर्शन को मैं टी मान लूंगा, स्मॉल टी बराबर मैं मान सकता हूं यम मानूंगा ई की पावर माइनस एक्स मानूंगा प्लस एन मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, डी टी हो गया और डी एक्स हो गया, यम हो गया यहां ई की पावर माइनस एक्स का एक पावर माइनस एक्स हो गया और माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस वन और इस यन का क्या हो जाएगा जीरो, कंफर्म है आपको डिफ्रेंशिएट मैंने कर दिया, डी टी यहां लिखेंगे माइनस को इधर भगाएंगे यम को नीचे भेजेंगे e की पावर माइनस एक्स और लिखेंगे डी एक्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कोई समस्या नहीं है, अब आराम से कैपिटल आई लिखेंगे, यल है अपान इसको टी माने यहां टी एक्स के स्थान पे e की पावर माइनस एक्स, एक मिनट यहां देखो यल मैंने लिख दिया इसको टी लिख दिया e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, e की पावर एक्स माइनस डी एक्स डी एक्स, यहां लिखेंगे माइनस डी टी वाई स्मॉल यल कैपिटल आई बराबर यहां हो जाएगा माइनस यल अपान यम वन अपान टी और क्या हो जाएगा डी टी माइनस यल अपान यम कैपिटल आई बराबर माइनस यल अपान यम एक बटे टी का क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल सी माइनस एल बाई एम हो जाएगा, लॉग टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो आपने मान रखा है क्या मान रखा है एम माना है ई की पावर माइनस एक्स माना है प्लस एन माना है प्लस कैपिटल सी माना है, तो यही चीज है कोई प्रॉब्लम यहां तक कोई समस्या नहीं है, तो सभी लोग से आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है प्लीज आप स्क्रीन शॉट फटाफट लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 आपको समझ में आ गया है वेरी नाइस,
बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं हम आपको, क्वेश्चन नंबर 29। तरीका देखिए, तरीका अच्छा लगे तो लाइक करिए फटाफट। साइन क्यूब एक्स अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया ना, एकदम सिंपल सा ट्रिक है, इसी ट्रिक पे लगाएंगे, अभी आंसर आपके सामने आ जाएगा और आपकी कलम से आ जाएगा। चलिए सब कुछ करिए, हम एग्जाम में नहीं, आप कैसे लगाएंगे। यहां पर सबसे पहले कैपिटल आई बराबर, यहां पर साइन क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। साइन क्यूब को मैंने ऐसा तोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अच्छा आई बराबर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां क्या है कॉस एक्स की पावर कितना है, ये रूट है मतलब हाफ हो जाएगा, और यहां हम क्या लिख देंगे साइन एक्स लिख देंगे और क्या लिखेंगे डीएक्स लिखेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, साइन क्यूब था इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिए और रूट कॉस एक्स है, रूट कॉस एक्स डीएक्स, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने चेंज कर दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, ये तो आपको शिशु केजी से थर्ड से कब से नाइन्थ से पढ़ाया जा रहा है, याद कर लो अभी, ठीक है ना, नहीं फिर परीक्षा में बंटाधार हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो यहां पर ये चीज हो गया, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है कॉस की है, इस मान टी बराबर आप क्या मानेंगे कॉस एक्स मानेंगे, सबसे ज्यादा यहां भी सब जगह कॉस एक्स संख्या। अब यहां हो जाएगा डी टी हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस उधर भेजो माइनस डी टी हो गया, यहां पर हो गया साइन एक्स हो गया। अब यहां तक क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, अब इसको आई लिखिए, यहां पर इंटीग्रेशन लगाइए, यहां पर वन माइनस, यहां पर आपने कॉस एक्स को टी माना है वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, यहां कॉस एक्स को टी माना है टी की पावर हाफ हो जाएगा, यहां साइन एक्स डीएक्स है यहां माइनस डी टी हो जाएगा, आराम से यहां आएंगे आई बराबर माइनस यहां करेंगे टी की पावर हाफ में एक से गुणा होगा टी पावर आधा हो जाएगा और यहां माइनस हो जाएगा दो दुनाई चार एक पांच बटे दो टी टी हो जाएगा। आई बराबर यहां माइनस भेजेंगे तो ये माइनस और ये प्लस तो यहां हो जाएगा टी की पावर पांच बटे दो ये वाला माइनस हो गया प्लस डी टी हो जाएगा यहां माइनस हो जाएगा टी की पावर वन अपॉन टू हो जाएगा डी टी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, क्लियर है और क्रिस्टल क्लियर है यहां तक। अब इसका समाकलन करेंगे आई बराबर टी की पावर पांच बटे दो प्लस एक और पांच बटे दो प्लस एक और यहां माइनस लगाएंगे टी की पावर एक बटे दो प्लस एक एक बटे दो प्लस एक प्लस कैपिटल सी। आई बराबर यहां लिखेंगे टी की पावर सात बटे पांच बटे सात बटे पांच और टी की पावर यहां लिखेंगे तीन बटे दो बटे तीन बटे दो प्लस सी। इधर ऊपर गया ये सात बटे दो होगा पांच नहीं होगा प्लीज, यहां भी सात बटे दो होगा प्लीज गलत कर दिया थोड़ा सा सॉरी, ये दो ऊपर चला जाएगा दो बटे सात टी के स्थान पे क्या है क्या माने हो कॉस कॉस की पावर सात बटे दो एक्स माइनस दो ऊपर चला गया दो बटे तीन यहां क्या माने हो कॉस कॉस की पावर तीन बटे दो एक्स प्लस कैपिटल सी। ये पूरा का पूरा अपना क्या आ गया आंसर आ गया, ये पूरा का पूरा अपना क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर क्या है दो बटे सात का स्क्वायर सात बटे दो एक्स माइनस दो बटे तीन का स्क्वायर तीन बटे दो एक्स प्लस कैपिटल सी, जहां सी एक समाकलन नियतांक है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ समझ में आया आपको, मजा आया नहीं, सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर है सभी का, प्लीज सभी लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर है। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए, एक स्क्रीन शॉट रखिए सभी लोग फटाफट, बाद में समझ के भी लिख लीजिएगा। चलिए वेरी नाइस बहुत अच्छा सुपर, हाँ बेटा इसको यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है तक, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आई बराबर यहां क्या लिखा गया है tan x दिया गया है।
अपान दिया गया है 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, और क्या दिया गया है डी एक्स, यहां तक दिया गया है टेन एक्स अपान 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स। आराम से इसका क्या करना है आपको, सॉल्यूशन करना, आपका इसको इंटीग्रेशन करना है। तो आराम से सॉल्यूशन आप करिए इसको, क्या चीज हो जा रहा है यहां पर आई बराबर, सिंपल सा तरीका, एकदम सिंपल सा फंडा, इतना सरल कि कोई जवाब नहीं। टेन एक्स को सिंपल वे में आप लिख सकते हैं साइन एक्स अपान लिख सकते हैं कॉस एक्स अपान 3 प्लस 2, टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपान लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या लिख सकते हैं डी एक्स। कैपिटल आई बराबर यहां हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा अपान कॉस एक्स हो जाएगा, यहां 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल, ये कॉस ऊपर चला गया, कॉस एक्स ऊपर जाएगा, यहां हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा इंटू कॉस एक्स हो जाएगा अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ऐसे लिखो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस एक काम करें दोनों को एक ही में चेंज कर दें, जैसे कि 3 है 3 कॉस स्क्वायर एक्स है 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स का लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या लिख देंगे डी एक्स, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल आई बराबर यहां साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां क्या दिया गया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई बराबर यहां क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान, यहां 2 मिलेगा 3 में से 2 चला गया कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा और डी एक्स मिलेगा। यहां तक ये सिस्टम आपका बन गया है, एक बार पूरा लगा लेते हैं तब समझाते हैं। इसको स्मॉल टी बराबर मानेंगे, पहले देख लेंगे आंसर भी दे रहा है 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सिंपल वे में आराम से डी टी डी एक्स, 2 का 0 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा यहां पर। अच्छा डी टी ये माइनस इधर भेजेंगे और 2 को इधर भेज देंगे, बराबर साइन एक्स मिलेगा कॉस एक्स मिलेगा डी एक्स। आई बराबर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, यहां हो जाएगा माइनस 1/2 और हो जाएगा डी टी अपान, इसको टी माने हो, यहां हो जाएगा टी माइनस 1/2 1/t का लॉग टी प्लस कैपिटल सी माइनस 1/2 लॉग टी के स्थान पे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। सभी लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर मिलाएंगे, 30 नंबर क्वेश्चन में आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 वेरी नाइस, माइनस 1/2 लॉग 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कैपिटल सी, आंसर बहुत बढ़िया आया, आराम से आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, यहां पर टेन एक्स अपॉन 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स है, टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या कॉस स्क्वायर एक्स, इसका गुणा यहां करेंगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इस कॉस ये वाला पावर एक कट गया, ये कॉस चला गया ऊपर, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो 3 कॉस स्क्वायर एक्स 2 दो एकन्नम 2 और माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 2 यहां मिला 3 में से 2 चला गया 1, और इसी को टी मान करके मैंने पूरा सोल्यूशन कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर अपना 30, क्वेश्चन नंबर क्या था 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 तरफ चलते हैं, सभी लोग फटाफट स्क्रीन शॉट लीजिए, चलिए ठीक है वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 तरफ क्या दिया है, 31 नंबर क्वेश्चन कैपिटल आई लॉग दिया गया है, लॉग दिया गया है रूट एक्स प्लस 1 दिया गया है अपान एक्स प्लस 1 दिया गया है, और यहां क्या दिया गया है डी एक्स दिया गया है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, आराम से इसका सोल्यूशन देखिए आपको अच्छा लगेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं आई बराबर सवाल को
लॉग लिखेंगे x प्लस वन की पावर पूरा हाफ लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे x प्लस वन लिखेंगे dx लिखेंगे, एक बटे दो आगे चला आएगा, यहां एक बटे दो हो जाएगा और log x प्लस वन हो जाएगा और x प्लस वन dx हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे को t मानिए, इस पूरे को t मानिए, स्मॉल t और मानेंगे क्या log मानेंगे x प्लस वन मानेंगे dt dx, log x प्लस वन का वन अपान x प्लस वन और x का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और वन का जीरो, तो dt बराबर वन अपान एक्स प्लस वन डी एक्स, कैपिटल आई लिखेंगे, एक बटे दो लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस वन है, लॉग एक्स प्लस वन है, यहां स्मॉल टी लिखेंगे, इसके बाद स्मॉल टी लिखने के बाद वन अपान एक्स प्लस वन डी एक्स, वन अपान एक्स प्लस वन डी एक्स, यहां क्या लिखेंगे डी टी लिखेंगे। अब यहां टी की पावर क्या है वन है, आराम से एक बटे दो टी की पावर हो जाएगा टू अपान टू प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल सी एक बटे चार टी स्क्वायर, टी क्या दिया गया यहां पर टी, टी दिया गया क्या लॉग एक्स प्लस वन प्लस कैपिटल सी, एक बटे चार लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल सी यहां दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 31 है, 31 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 यहां एक बटे चार लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल सी, सभी लोगों को समझ में आया, वेरी नाइस, पावर एक बटे दो जो यहां वाला है वो आगे चला आएगा, एक बटे दो हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट एक कमेंट करिए, सभी को समझ में आया। अच्छा, अभी मैं शेयर करने नहीं बोला तो आप नहीं शेयर करेंगे, अरे आप शेयर करिए और लोगों को पढ़ाइए भाई, ये 12-15 12-15 20 नहीं चलेगा काम, और बढ़ाइए भाई। ठीक है, चलिए सपोर्ट करिए आप लोग, जितने लोग हैं अगर एक लड़का दो सपोर्ट कर दे तो ये 10 गुना 10 लड़के 20 करेंगे तो 30 हो जाएगा, कितनी तेज से श्रृंखला बढ़ सकती है। जय हो पिक्चर का थीम जानते हो ना, मैंने क्लास में बताया है, और कभी मौका मिलेगा वक्त मिलेगा तो हम इस पे बता देंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक है बेटा यार, चलिए आप इसमें शॉट ले लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 32 देखिए, फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है यहां पर, 32 नंबर क्वेश्चन दी बेस्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 में, कैपिटल आई बराबर वन अपान एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स दिया गया है, अरे तरीका देख लो मजा आ जाएगा, यही तरीका अप्लाई कर दो मजा आ जाएगा, देखो कैसे करते हैं बाला सर, तभी बाला सर के बच्चे फैन है, यक्स है, एक्स को आराम से हम क्या लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर, अगर हम लिख सकते हैं तो आप भी लिख सकते हैं, एक्स को रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, कितना बढ़िया, वन अपान दोनों में अब क्या कॉमन है रूट एक्स कॉमन है सर, तो जब रूट एक्स कॉमन है तो क्या मिलेगा सर रूट एक्स प्लस वन डी एक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना गजब का ट्रिक है, एक्स को मैंने रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, अब देखो रूट एक्स कॉमन है तो रूट एक्स प्लस वन, इस पूरे को केवल टी मानना है, स्मॉल टी पर क्या मानना है मुझे रूट एक्स प्लस वन डी टी डी एक्स, रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, वन का जीरो, वन का क्या होता है जीरो, जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखिए टी बराबर इसको लिख सकते हैं, इसको टी बराबर लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ प्लस वन, यहां हो जाएगा डी टी डी एक्स एक बटे दो एक्स की पावर एक बटे दो माइनस वन प्लस वन का क्या हो जाएगा जीरो, एक बटे दो एक्स की पावर माइनस हाफ, एक बटे दो माइनस हाफ नीचे आएगा क्या हो जाएगा प्लस हाफ मतलब रूट एक्स, तो यहां हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स बराबर वन अपान टू रूट एक्स, ये हो जाएगा। अच्छा टू को इधर भेजेंगे, टू हो गया डी टी हो गया वन अपान रूट एक्स और डी एक्स हो गया, अब आराम से यहां आएंगे आई लिखेंगे बराबर वन अपान रूट एक्स, वन अपान रूट एक्स डी एक्स, वन अपान रूट एक्स डी एक्स यहां पर है ना, वन अपान रूट एक्स डी एक्स, यहां क्या लिखेंगे टू लिखेंगे डी टी लिखेंगे, अपान इसके स्थान क्या लिखेंगे टी लिखेंगे, दो बाहर एक बटे टी का हो जाएगा लॉग टी प्लस कैपिटल सी, टू हो जाएगा लॉग हो जाएगा टी के स्थान पर आपने क्या माना है रूट एक्स प्लस वन प्लस कैपिटल सी, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, सभी को आया क्वेश्चन नंबर 2 लॉग रूट एक्स प्लस वन, कितना गजब का आंसर दे रहा है सभी लोग, आपको आया या नहीं आया, आपको ये ट्रिक कैसी लगी, क्या आप अच्छा लगता है क्या आपको पढ़ने में, क्या आपको पूरा सवाल समझ में आता है, क्या आप पूरा पूरा पसंद करते हैं हमें, तो हाँ प्लीज लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, अधिक से अधिक सपोर्ट करवाइए, अगर ऐसा है तो प्लीज करिए जरूर। चलिए आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखने का प्रयास करें, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो नंबर में बनने वाला क्वेश्चन है, दो नंबर में बनने वाला क्वेश्चन है, वेरी नाइस,
क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 33। क्वेश्चन नंबर यहां क्या दिया गया 33 और 34। यहां पर क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया है कैपिटल आई और यहां दिया गया है ए की पावर एक्स अपान दिया है 1 माइनस ए की पावर 2 एक्स डीएक्स। ये दिया गया ना यहां पर सभी लोगों को दिख रहा है 1 माइनस ए की पावर 2 एक्स। आराम से इसको कैसे करेंगे ए की पावर एक्स रहने देंगे 1 माइनस ए की पावर 2 एक्स को लिखेंगे ए की पावर एक्स की होल पावर 2 डीएक्स। बस काम बन गया ए की पावर 2 एक्स को हम क्या लिखेंगे ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर लगाएंगे। इसको टी मानेंगे स्मॉल टी बराबर मानेंगे ए की पावर एक्स डी टी डी एक्स। ए की पावर एक्स का हो जाएगा ए की पावर एक्स हो जाएगा लॉग ई ए हो जाएगा लॉग ए बेस ई होगा और यहां हो जाएगा डी टी अपान लॉग ए बेस ई बराबर ए की पावर एक्स यहां हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। आराम से यहां हम कैपिटल आई लिखेंगे ए की पावर एक्स डी एक्स मिला है इसके स्थान पे लिखेंगे डी टी अपान लिखेंगे यहां लॉग ई ए लिखेंगे और गुणे कराएंगे यहां एक बटे अंडर रूट वन माइनस क्या लिखेंगे टी स्क्वायर और डी टी यहां लगा है इसको बाहर करेंगे वन अपान लॉग ई ए लिखेंगे एक बटे अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर डी टी वन अपान लॉग ई ए इसका हो जाएगा ये सूत्र बनेगा साइन इनवर्स टी का और प्लस कैपिटल सी। तो यहां वन अपान लॉग ई ए और यहां साइन इनवर्स टी के स्थान पर अपना हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस कैपिटल सी वन अपान लॉग ए बेसी साइन इनवर्स ए की पावर एक्स। ठीक है तो यहां पर क्वेश्चन इतना बन के आया आंसर निकल कर आया है दी बेस्ट आंसर है गजब का आंसर है। सभी लोग फटाफट जितने भी लोग हैं सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया है 33 वेरी नाइस बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से कल देखते हैं। ठीक है 34 नंबर क्वेश्चन से हम अगली श्रृंखला में मिलेंगे। ठीक है तब तक के लिए आप वीडियो को पूरा देखा करिए फुल वॉच करिए और अच्छे से रहिए घर पे रहिए मस्त रहिए ठंडक है थोड़ी सी कपड़ा लत्ता पहन कर बैठिए। और हाँ अब ठंडक का मौसम आप आराम से बैठ करके घरों में शाम के समय में पढ़ सकते हैं आप पढ़िए अपने टाइम टेबल को शेड्यूल कर लीजिए। एक टाइम टेबल पर चलने वाला बंदा जरूर एक ना एक दिन जरूर सक्सेस होता है। ठीक है तो आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा देखने में। और हाँ एक विशेष रिक्वेस्ट है फिर से रिक्वेस्ट है लास्ट बार रिक्वेस्ट है बार बार रिक्वेस्ट है हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए जिससे डेली 8:05 क्लास आपकी चलती रहे। चलिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू।